Assalamu alaikum class, welcome back. My name is Dr. Samreen and I am lecturer of general surgery. So let's come to our topic. So today topic is preoperative care, including the high-risk surgical patient. So during this lecture or in this lecture, what we will learn is that the learning object will be to be able to recognize the preoperative care and the operative operating list, how we, as you know, before doing an operation, we have to make a list. We have to get fitness of this patient from general anesthesia department, and then we will, and then accordingly, the anesthetic will prescribe the, either the patient is go for GA, spinal, so epidural. So we will decide upon the surgery and the anesthetic fitness. Okay, so to understand the preoperative preparation for surgery, surgical, medical, and anesthetic aspect of assessment. Surgical aspect is that, for example, a patient with cholelithiasis or cholecystitis, acute or acute cholecystitis, and you or chronic acute come chronic cholecystitis. So you have to take out his gallbladder. So उसके लिए हमें जो है वो सर्जिकल फिटनेस लेनी पड़ती है. सर्जरी का हम डिसाइड करते हैं सर्जन, देन वी विल, इफ द पेशेंट इज डायबिटिक और हाइपरटेंसिव, तो हम उसे मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज रहे होते हैं, एंड द मेडिकल डिपार्टमेंट विल सी हिज ब्लड शुगर लेवल्स, हिज बीपी लेवल्स, एंड अगर तो कोई कार्डिक उसको रखता है, कोमॉर्बिड है कोई कार्डिक, या उनको लग रहा है कि एंजाइना है, स्टेबल अनस्टेबल, तो अकॉर्डिंग टू दैट जो है उस पेशेंट को मेडिसिन सब्सक्राइब करेंगे, ताकि वो प्रिस्क्राइब करेंगे सॉरी, ताकि जो है वो सर्जरी के लिए फिट रहे, और जो आउटकम है पेशेंट का और जो पोस्ट ऑपरेटिव आउटकम है वो पेशेंट का अच्छा रहे. देन एनेस्थेटिक एस्पेक्ट में होगा, जैसे मैंने बताया कि फिटनेस प्रोवाइड करेगा एनेस्थेटिक ब्लड की रिपोर्ट्स को देख के. So in this lesson, you will see how to optimize the patient condition, how to identify and optimize the patient at high risk, importance of critical care in management, how to take concerned also, because before going for operation theater, you have to take in concern form, and that concern form will be signed by the patient guardian, or जो घर का उसका रहनुमा होता है, he will sign that concern form. And how to organize an operating list. So now let's come to my topic. As I am go throughing from Bella and Love short book, this is 27th edition. So मैं बहुत minimize करूँगी ताकि सिर्फ important points हैं वो आपको याद रहें. ठीक है. So अब अगर हम बात करते हैं इसके introduction की, अगर हम बात करते हैं introduction की, तो तो अगर हम देखा जाए तो सर्जरी जो है, द स्ट्रेस ऑफ मेजर सर्जरी जो होती है वो कैन लीड टू इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड बाय 40%. बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, जो हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं, टी हेल्पर सेल्स हैं, डेटा साइटोकाइंस, ठीक है, ये रिलीज होते हैं क्योंकि इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होती हैं बॉडी में, स्ट्रेस हो रहा होता है सर्जरी में, तो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स होता है, पेशेंट का हाइपरकोगुलेटिव स्टेट होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड होता है कंपार्टमेंट्स में, ठीक है, और ये काफी पोस्ट ऑपरेटिव, सेवरल पोस्ट ऑपरेटिव डेज में चलता है. तो द पर्पस ऑफ केयरफुल प्री ऑपरेटिव प्लानिंग यही होती है कि जो हम अनवांटिंग अफेक्ट है, जो फिजियोलॉजिकल चेंज है, उसको मिनिमाइज कर सकें, ठीक है, जो इन्फ्लेमेशन है, जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है पोस्ट ऑपरेटिव भी, उसको मिनिमाइज करें. इसके लिए बिफोर ऑपरेशन हम पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे होते हैं, उसकी एग्जामिनेशन ले रहे होते हैं, हिस्ट्री के इस पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं है, सांस लेने में मुश्किल तो नहीं है, एस्थमा का दमा की कोई बीमारी तो नहीं है, पेशेंट स्मोकर तो नहीं है, सेकेंडली पेशेंट की हम ब्लड प्रोफाइल देख रहे होते हैं. सो अकॉर्डिंगली आगे आगे सिस्टमिक वाइज आई विल, मैं इसको और ज्यादा आप लोग के लिए समराइज करूंगी, ठीक है. सो प्री इन्वेस्टिगेशन एट द प्री ऑपरेटिव क्लिनिक्स में हो रही होती है, शुड बी इंक्लूड नॉट ओनली असेसमेंट ऑफ फंक्शनल रिजर्व बट आल्सो फॉर्मेशन ऑफ एडवाइस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग. फॉर एग्जाम्पल, एक अनकंट्रोल ब्लड शुगर लेवल है पेशेंट का, डायबिटिक है, उसका हम एच बी ए वन सी लेवल करवा रहे होते हैं, अगर वो कंट्रोल में नहीं आ रहा होता पेशेंट का, ऑप्टिमाइज 7 to 8 होता है, अगर ये ऑप्टिमाइज नहीं हो रहा है तो हम पेशेंट से बोलेंगे कि अपनी शुगर कंट्रोल करवाए, अकॉर्डिंग टू डेट मैं उसको जनरल प्रैक्टिशनर या मेडिकल उसके पास भेजूंगी, और फिर जो है वो पेशेंट की बेस लाइन और करवा के, उसकी यूरिन करवा के, कि वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में तो नहीं जा रहा, तो अकॉर्डिंग टू डेट वो जो है वो पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करेंगे, ठीक है. क्रॉनिक कंडीशंस को मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, मेडिकेशंस को मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एस्पिरिन की बात करें तो एस्पिरिन जो है हम
जो है 7 days before surgery का जो है वो छुड़वा देते हैं, स्मोकिंग हम सीजेशन करवाते हैं, वेट रिडक्शन करवाते हैं, मॉर्बिड ओबेसिटी BMI आपका मोर देन 35 है परसेंटेज तो दैट इज मॉर्बिड ओबेसिटी, तो उस चीज में आपका DVT होने के पेशेंट के चांसेस, रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है पेशेंट को. सो ऑल दीज फैक्टर्स जो है हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये सब हमें जो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर की तरफ, प्री ऑपरेटिव केयर की तरफ सॉरी लेके जा रहे होते हैं. अ सिंपल क्वेश्चन है वर्किंग विद अग्रीड गाइडलाइंस का आइडेंटिफाई हाई रिस्क पेशेंट, ठीक है, उस पर हम स्पेसिफिक टेस्ट करवा रहे होते हैं ऑप्टिमाइज करवाने के लिए. कोमॉर्बिड में जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायबिटिक तो नहीं है, हाइपरटेंसिव तो नहीं है पेशेंट, सो इसके हिसाब से हम जो कर रहे होते हैं रिस्क ऑफ सर्जरी. एनेस्थीजिया की बात करें तो क्योंकि काफी सारे एनेस्थेटिक हमारे पास एजेंट्स जो होते हैं दैट इज कार्डियोटॉक्सिक होते हैं, तो उसके हिसाब से हम जो है वो एनेस्थेटिक अरेंज कर रहे होते हैं. इसके अलावा पेशेंट को हम नील पर माउथ भी कर रहे होते हैं, डेट इज NPM और NPO भी कह रहे होते हैं, नथिंग पर ओरल भी हम उसे कह रहे होते हैं, ठीक है. इसके अलावा अगर जैसे PP की कुछ मेडिसिन तो हम पेशेंट्स को बोल रहे होते हैं कि आप एट द मॉर्निंग आप 2 sip ऑफ वाटर के साथ ही और शी कैन टेक हिज ब्लड प्रेशर मेडिसिन, जबकि इंसुलिन हम ओमिट करवा रहे होते हैं, डेट इज द पॉइंट, इंसुलिन हम ओमिट करवा रहे होते हैं पेशेंट को, इंसुलिन हम नहीं दे रहे होते क्योंकि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में ना चला जाए, ठीक है. इसके अलावा A plan for the listing patient should be drawn up. All those involved in making the list run smoothly should be informed. WHO organization ki tarah se World Health Organization checklist, which is started just prior for induction of anesthesia and continue during and after surgery, aim to improve the safety of anesthetic and surgery. यानी कि हमने WHO के हिसाब से हमारे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट के हिसाब से हम जो है वो पेशेंट को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, ठीक है. अब प्री ऑपरेटिव प्लान्स को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, तो हम प्री ऑपरेटिव अगर एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल मैंने उसकी कोलेसिस्टेक्टमी करनी है, गॉल ब्लैडर रिमूव करना है, तो मैं उसका जितना गैदर करूंगी, जितना उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, जिस रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं उसकी फाइल में नोट डाउन करूंगी. पेशेंट को अगर डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, देन आई विल ऑप्टिमाइज हिज कंडीशन. उसके बाद वो सर्जरी दैट ऑफर मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम बेनिफिट. इसके अलावा अगर मैं देखूंगी कि पेशेंट में लैप्रोस्कोपिक की तरफ अप्रोच है जो कि मिनिमम इन्वेसिव होती है, तो मैं आई विल गो दैट लैप्रोस्कोपिक, ठीक है. एंटिसिपेटेड एंड प्लान फॉर एडवर्स इवेंट्स. इसके अलावा हम जो है फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट एनीमिक लग रहा होता है, हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे होते हैं. इसके अलावा हम पेशेंट के लिए जो है वो पैक सेल अरेंज करवा रहे होते हैं. अगर मुझे लगता है कि पेशेंट की सर्जरी विल बी ब्लडी, तो उस सूरत में आई हैव टू अरेंज इज ब्लड जो है वो पैक्स अरेंज करवा के, और हम जो है वो ब्लड बैंक में रिजर्व करते हैं, ठीक है, कि अगर कोई अनइवेंटफुल अगर कुछ होता है तो उस सूरत में हम पेशेंट को दे सकें. इसके अलावा एडिक्वेट हाइड्रेशन हम उसको ड्रिप्स के जरिए दे रहे होते हैं क्योंकि वो NPO होता है. इसके अलावा आफ्टर सर्जरी ऑल्सो उसको न्यूट्रिशन हम ड्रिप्स की सूरत में दे रहे होते हैं. एक्सरसाइज की सूरत में हम उसकी फिजियोथेरेपी करवा रहे होते हैं. जितनी जल्दी अर्ली मोबिलाइजेशन होगी उतने लीस्ट चांसेस होंगे DVT के, और उतने अच्छे चांसेस होंगे कि पेशेंट हील हो सके, ठीक है. पेशेंट असेसमेंट में हम एविडेंस सजेस्ट द करेक्शन ऑफ एनीमिया. असेसमेंट में हम क्या देख रहे होते हैं, हम कंप्लीट ब्लड काउंट दैट इज CBC करवा रहे होते हैं. तो CBC में HbA अगर कम है तो एनीमिया है, ठीक है. इसके अलावा डायबिटिक कंट्रोल बेटर है जो कि HbA1c के हम उस पर करवा रहे होते हैं. प्री ऑपरेटिव एक्सरसाइज हम दे रहे होते हैं. बेटर न्यूट्रिशन लीड टू बेटर पेशेंट आउटकम. फ्यूअर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होगी. ऑब्वियसली जितना हम उसको प्री ऑपरेटिवली ऑप्टिमाइज करेंगे उतना पेशेंट जल्दी रिकवर होगा. बेस्ड ऑन पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स एसोसिएटेड कोमॉर्बिड्स एंड द टाइप्स ऑफ सर्जरी कैन वन कैन एस्टिमेट रिस्क फॉर इंडिविजुअल अनगोइंग सर्जरी एंड वेरियस टूल्स स्कोर्स यू विल सी दैट लेटर कैन बी यूज एज अ रिस्क प्रेडिक्टर. नाउ कम टू द हिस्ट्री टेकिंग. एज यू नो हम हिस्ट्री टेकिंग देख रहे होते हैं पेशेंट की. इसको मैं बहुत ही समराइज कर देती हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो उसका सांस फूलेगा, ठीक है ना. इसके अलावा मेजर सर्जरी है तो हार्ट के रिस्क क्या क्या होंगे हार्ट अटैक आने के. इसके अलावा अगर एनीमिया है उस सूरत में हम पेशेंट को देखेंगे, पेशेंट पील तो नहीं है, ये सारी चीजें हम देख रहे होते हैं. दिल तो नहीं घबरा रहा, सांस लिया जा रहा, मतलब पल्पिटेशन है उसको, दिल की धड़कन तेज महसूस होती है, पल्पिटेशन होती है, ओबेसिटी BMI हम देख रहे होते हैं. ये सारी चीजें हम हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट के देख रहे होते हैं, ठीक है. इसके अलावा सेकंड मोस्ट उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या चीज होती है कि हमारे पास सर्जरी कौन सी है पेशेंट में.
इससे पहले कितनी सर्जरीज हो चुकी हैं पेशेंट की, एनेस्थीसिया कौन सा दिया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, कितनी देर तक वो हॉस्पिटलाइज रहा था, इसके अलावा अगर कोई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है उसकी प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है प्रीवियस अगर एब्डोमिनल सर्जरीज हुई हैं तो पेशेंट में एडिजन्स हो सकती हैं, एडिजन्स फॉर एग्जाम्पल जेली लाइक मटेरियल, अगर ईजी वर्डिंग में बोलें जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि ऑर्गन्स को दूसरे ऑर्गन के साथ एडहेरेंट कर लेता है, चिपका देता है. द यूज ऑफ रिक्रिएशनल ड्रग्स एंड अल्कोहल कंजप्शन शुड बी नोटेड एज दे आर नोन टू बी एसोसिएटेड विद एडवर्स आउटकम, पेशेंट अडक्टिव तो नहीं है. इसके अलावा सक्सामेथोनियम एनेस्थेटिक जो कि एपनिया करवाता है, सांस रोकने का मसला करवाता है, ये सारी चीजें हम देख रहे होते हैं. चेक फॉर एलर्जीज देख रहे होते हैं, किसी मेडिसिन के साथ एलर्जी तो नहीं है, जैसे सल्फा ड्रग्स होती है, सल्फोनामाइड्स हो गई, पेनिसिलिन से कुछ पेशेंट्स को एलर्जी होती है, और हम लोग जो है बिफोर इंडक्शन जो है पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक का टेस्ट डोज भी दे रहे होते हैं. ठीक है, रिस्क फैक्टर फॉर डीवीटी भी हम देख रहे होते हैं. डीवीटी के रिस्क फैक्टर में हमारे पास जो है वो एक स्मोकिंग आ जाता है, सेकंड हमारे पास जो है वो एक ओबीस पेशेंट है वो भी आ सकता है, मेजर एब्डोमिनल सर्जरी है तो हो सकता है उसको डीवीटी हो सकती है. ठीक है, अब इसको हम समराइज कर सकते हैं हिस्ट्री में. हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा होता है हम ओपन क्वेश्चन पूछते हैं, एक्टिव लिसनिंग होती है, डॉक्टर ने लिसन करना होता है पेशेंट की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं. ठीक है, और क्लैरिफाई करना होता है व्हाट डज द पेशेंट एक्सपेक्ट, पेशेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. ठीक है, और डिफरेंशियल डायग्नोस हम जो है उसके क्वेश्चन पे फोकस कर रहे होते हैं, फिटनेस पे देख रहे होते हैं, ये सारी चीजें. की टॉपिक हमारे पास पास मेडिकल हिस्ट्री में हमारे पास कार्डिक सर्जरीज हम देख रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास सॉरी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें आईएचडी हो गया, हमारे पास अंजाइना हो गया, मायोकार्डियल इंफेक्शन हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, डिसरिथमियाज हो गया, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस उसमें आ गया, डीवीटी हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, ये सारी हमारे पास मेजर हम जो है वो पास मेडिकल हिस्ट्री से रूल आउट करेंगे उसको, ये सारे इवेंट तो नहीं हुए पेशेंट को. देन रेस्पिरेटरी में सीओपीडी का पेशेंट तो नहीं है, एस्थमेटिक तो नहीं है, रेस्पिरेटरी को इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, गैस्ट्रो में उस पर पेप्टिक अल्सर का प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट को रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये रिकर्जिटेट भी कर सकता है, एस्पायरेशन नमोनिया भी हो सकता है, लिवर डिजीज हम देख रहे होते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन तो नहीं है, रिनल डिसफंक्शन तो नहीं है, डायलिसिस पे तो नहीं है पेशेंट, लाइक दिस, ये सारी चीजें हम पास मेडिकल हिस्ट्री में देख रहे होते हैं. न्यूरोलॉजिकल में हम जो है वो झटकों की बीमारी, एपिलेप्सी तो नहीं है, उसको कोई स्ट्रोक तो नहीं हुआ, कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर, कोई कॉग्निटिव फंक्शन तो नहीं है उसका लॉस. एंडोक्राइन में डायबिटीज हो गया, थायराइड भी हो गया, देन फ्यूक्रोमोसाइटोमा भी हो गया, जिसमें हमारे पास कैटाकोलामाइंस की कैंसर होता है एड्रिनल ग्लैंड में, जिसकी वजह से हमारे पास कैटाकोलामाइंस ज्यादा सिक्रीट हो रही होती है, पेशेंट हाइपरटेंसिव होता है, पॉलीफायरिया हो गया, लोकोमोटरी में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी हो गया, जैसे हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दैट इज ऑटोइम्यून डिजीज ऑफ जॉइंट्स. इसके अलावा हमारे पास अदर्स में जो वायरल्स हो गए, जैसे कि हमारे पास एचआईवी हो गया, हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस हो गई, मैलिग्नेंसीज हो गई, एलर्जी हो गई, प्रीवियस सर्जरी हो गई, फैमिली हिस्ट्री और प्रॉब्लम्स विद एनेस्थीसिया अगर है तो कुछ. ठीक है, सो इसके अलावा इसके साथ ही हम अगर जो है वो एग्जामिनेशन में देखें तो हम जो है पॉजिटिव फाइंडिंग अगर एग्जामिनेशन में देखें तो हम जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, सर्जिकली रिलेटेड कर रहे होते हैं, जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन पल्स देख रहे होते हैं, हम हमेशा कंपेयर कर रहे होते हैं नॉर्मल साइड विद दी अपोजिट साइड से एबनॉर्मल साइड से. फॉर एग्जांपल लिम्फ है तो हम उसको लिम्फ को दोनों लिम्स को अपर लिम्स को और प्लस दोनों लोअर लिम्स को कंपेयर करेंगे. सर्जरी रिलेटेड कि हमें फॉर एग्जाम्पल थायराइड की सर्जरी करनी है तो साइड ऑफ द सर्जरी देखेंगे, कॉम्प्लिकेशन दे सकते हैं, उसके साथ ही कोमॉर्बिड्स दे सकते हैं, स्पेसिफिक स्टेबिलिटी फॉर पोजिशनिंग ड्यूरिंग सर्जरी. इसके अलावा ये जो है मेडिकल एग्जामिनेशन में तो जर्नल में हम एनीमिया, कंजक्टिवा देख रहे होते हैं, जॉइंटस देख रहे होते हैं, साइनोसिस ईयर्स में देख के, सेंट्रल साइनोसिस में हमारे पास जो है वो ईयर्स होता हो जाते हैं, और लिप्स गेट के साइनोसिस हम दे रहे होते हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगी, और न्यूट्रिशनल स्टेटस हम देख रहे होते हैं. इन्फेक्शन में हम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में क्या देख सकते हैं, कोई टीथ दीके तो नहीं है, फीट में कोई अल्सर्स तो नहीं है, लेग में कोई अल्सर्स तो नहीं है. कार्डियोवैस्कुलर में हम उसकी पल्सेस देखेंगे, आर्टरियल कैरोटिड पल्स देखेंगे, बीपी देखेंगे, हार्ट साउंड हम देखेंगे, ब्रूइट देखेंगे, कोई एबनॉर्मल हार्ट साउंड तो नहीं है, उसको लेग्स पे इडीमा तो नहीं है तो हार्ट फेलियर की तरफ हमारे पास इशारा करेगा. रेस्पिरेटरी रेट हम देखेंगे टू सीओपीडी को रूल आउट करने के लिए. चेस्ट एक्सपेंशन देखेंगे, परकशन देखेंगे, बैक साउंड देखेंगे, दोनों तरफ इक्वल है या नहीं,
देन ऑक्सीजन सेचुरेशन हम उसके देखेंगे कि वो मेंटेन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ पल्स ऑक्सीमेट्री। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में एब्डोमिनल मासेस देखेंगे हम कि एब्डोमिन में कोई मास तो नहीं है, असाइटिक तो नहीं है उसको, असाइटिस अगर एब्डोमिन में वाटर है, असाइटिस फ्लूइड अगर भरा हुआ तो हो सकता है कि लिवर डिजीज है पेशेंट को, कोई बाउल साउंड हम देखेंगे, हर्निया तो नहीं है, उसके जेनिटेलिया हम देखेंगे, न्यूरोलॉजिकल में हम उसका कॉन्शियस लेवल देखेंगे, कॉग्निटिव फंक्शन कैसा है, पेशेंट बेड बाउंड है तो सूरत में हम ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, एयरवे असेसमेंट करेंगे कि अगर हम जीए दे रहे हैं तो सूरत में कोई डेंचर्स वगैरह तो नहीं है, आर्टिफिशियल टीथ तो नहीं है, तो पेशेंट को सारा हम ये बता रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम इसको थोड़ा सा और समराइज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन अगर हम देखा जाए तो पेशेंट की हम जो है वो फुल ब्लड काउंट करवा रहे होते हैं, दैट इज फुल ब्लड काउंट हम करवा रहे होते हैं, ठीक है, एनीमिया को रूल आउट करने के लिए, ऑनगोइंग कोई ब्लड लॉस क्रोनिक वो तो नहीं है, ठीक है, यूसी हम करवा रहे होते हैं, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट करवा रहे होते हैं, 65 ईयर से अबव हैं, ठीक है, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, रिनल के पेशेंट्स हैं, ये एंडोक्राइन पेशेंट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो पेशेंट्स जो स्टेरॉइड्स पे हैं, डायबिटिक्स में हैं, डाइजॉक्सिन हार्ट की मेडिसिन पे हैं, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला कोई पेशेंट है, एनसेड्स पे है, इंट्रावीनस फ्लूइड एंड न्यूट्रिशनल थेरेपीज में है, तो सूरत में हम यूसी करवा रहे होते हैं, ईसीजी हम करवा रहे होते हैं 65 अबव में कोई हार्ट की इवेंट्स दे सके, एक्सरे करवा रहे होते हैं, एक्सरे करवा रहे होते हैं ताकि देखने के लिए कि कोई कोई चेस्ट इन्फेक्शन तो नहीं है पेशेंट को, सीओपीडी में पेशेंट में हम करवा रहे होते हैं, ठीक है, क्लॉटिंग प्रोफाइल करवा रहे होते हैं, PTA PTT INR करवा रहे होते हैं ताकि कोई हमारे पास कोई अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो वो रूल आउट हो जाए फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए, यूरिन डिप टेस्ट करवा रहे होते हैं ताकि कोई अगर इन्फेक्शन है यूटीआई तो वो रूल आउट कर लें, बीटा एचसीजी करवा रहे होते हैं, ह्यूमन बीटा ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन करवा रहे होते हैं चाइल्ड बियरिंग एज में, ताकि पेशेंट प्रेगनेंट तो नहीं है अगर फीमेल पेशेंट है और चाइल्ड बियरिंग एज है तो, ग्लूकोज लेवल या HbA1c हम करवा रहे होते हैं, मैं बताया था डायबिटिक पेशेंट में पुअर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज कैन लीड टू प्री ऑपरेटिव इन्फेक्शन एंड स्लो रिकवरी होगी पेशेंट की, ठीक है। इसके अलावा हम ABGs करवा रहे होते हैं ऐसे पेशेंट्स में जिसमें हमारे पास कोई डायलिसिस वाला पेशेंट है, किडनी ट्रांसप्लांट अगर करना है जिस पेशेंट्स का, इन सूरत में हम ABGs भी करवा रहे होते हैं, या फिर COPD वाले पेशेंट में भी हम ABGs करवा रहे होते हैं बिफोर एट द डे ऑफ सर्जरी या सर्जरी से पहले। LFTs हम भी करवा रहे होते हैं पेशेंट अगर जॉइंटेस है, सिरोसिस है, मैलिग्नेंसी वाला पेशेंट है, स्पेसिफिक फिर जिस हिसाब से सर्जरी हम कर रहे होते हैं बाकी हम उस पे वो आते हैं, ठीक है। अब टू मेक इट शॉर्ट, अब जो है हमारे पास अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हाइपरटेंशन इस्केमिक हार्ट डिजीज की, प्रायर टू इलेक्टिव सर्जरी ब्लड प्रेशर शुड बी कंट्रोल नियर 160 और 100 mmHg के हिसाब से होना चाहिए। इफ अ न्यू एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट इंड्यूस अ स्टेबलाइजेशन पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 weeks शुड बी अलाउड, ठीक है, पेशेंट विद एंजाइना दैट इज नॉट वेल कंट्रोल शुड बी इन्वेस्टिगेट फर्दर फॉर बाय कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। द इंडिकेशन ऑफ कोरोनरी रिवैस्कुलराइजेशन इज द इन द पेशेंट बिफोर मेजर सर्जरी आर द सेम एज द मेडिकल इंडिकेशन फार्माकोलॉजिकल प्रोटेक्शन इंडिकेटेड। हम बीटा ब्लॉकर्स भी दे रहे होते हैं, स्टैटिन्स भी दे रहे होते हैं अगर एंजाइना का पेशेंट है, और अगर उसका जो है हमें रिवैस्कुलराइजेशन की हमें अगर एंजियोप्लास्टी की हमें नीड होगी तो सूरत में हम जो है वो पेशेंट को देख रहे होते हैं कि कितनी ब्लॉकेज है, ठीक है, और उसके हिसाब से मोस्ट लॉन्ग टर्म्स मेडिसिन में हम AC इनहिबिटर्स दे रहे होते हैं, ठीक है। एंड याद रखिएगा कि जो है हमारे पास एंजियोटेंशन रिसेप्टर्स एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर्स और रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स जो है ओमिट कर देंगे 24 आवर्स प्रायर टू सर्जरी एंड री इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली इन द पोस्ट ऑपरेटिव, आहिस्ता आहिस्ता करके इसको री इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन हम ये प्री ऑपरेटिवली नहीं दे रहे होते, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगर MI हुआ है तो इलेक्टिव सर्जरी हम अगर रिसेंटली उसको MI हुआ है तो एटलीस्ट 6 months के बाद हम उसके इलेक्टिव सर्जरी करेंगे, उसको हम पोस्टपोन कर देंगे, और इसके अलावा जो है उसको हम इसके अलावा द रिस्क ऑफ द स्टेंट थ्रोम्बोसिस